Hey guys, this is SKN. Good evening with another live trading session in our Telegram VIP group. So guys, 8 बज गए हैं जैसा कि आप देख रहे हो मेरी स्क्रीन पे जो घड़ी है, और यहाँ पे फिर से हमने स्टार्ट कर दिया है अपना जो लाइव ट्रेडिंग सेशन है टेलीग्राम VIP ग्रुप में. रूल्स मैंने पोस्ट कर दिए यहाँ पे. 94% लोग जो हैं मेंबर्स हैं रेडी हैं. तो चलिए यहाँ पे मैं पहले लेट्स गो का स्टिकर डाल देता हूँ और फिर हम यहाँ पे अपनी एनालिसिस करके यहाँ पे ट्रेड प्लेस करेंगे. तो स्टोकेस्टिक और बोलिंजर एंड पैराबोलिक ये तीन चीज़ मैं अप्लाई कर लेता हूँ. अभी मैंने करेंसी सेट नहीं करी है, करेंसी मैं बाद में सेट करूँगा किस करेंसी पे हम ट्रेड लेंगे आज. और यहाँ पे ये देखिए मैंने इसको चेंज किया, इसका कलर मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से कलर इसको सेट कर सकते हो. सब कुछ यहाँ पे सेट है. और GBP USD अभी करेंसी है, बहुत ही बेकार चल रही है. हालांकि ट्रेंड डाउन है, डाउन जो ट्रेंड है इसका, लेकिन यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं करूँगा. मैं यहाँ पे देखूँगा यूरोप कंपोजिट इंडेक्स. ठीक है, ये यूरोप कंपोजिट इंडेक्स मैं लेता हूँ. ये भाई ने किसी ने जिसने बताया, बहुत बढ़िया चीज़ बताई है, इसमें बड़ा आराम से कॉपी हो जाता है, टाइप नहीं करना पड़ता. एंड 2 मिनट माई रिस्क इज $100. ज़्यादा रिस्क हमको नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी हमने जो मॉर्निंग सेशन किया था बहुत ही मज़ेदार सेशन हमारा हुआ था, और जो यूट्यूब सेशन है उसमें भी हमने प्रॉफिट अर्न किया, एंड टेलीग्राम VIP ग्रुप है उसमें भी हमने प्रॉफिट अर्न किया. तो यहाँ पे देखते हैं क्या हम कर सकते हैं अभी फ़िलहाल इस मार्केट पे. पहला मेरा ट्रेड रहेगा ये, और जैसे ही मैं सिग्नल प्रिडिक्ट करूँगा सही सा, मैं आपको जो राइट एंट्री पॉइंट है वहाँ पे आपको सिग्नल दूंगा. तो अभी फ़िलहाल डाउन मुझे सिग्नल यहाँ पे दिखा और मैंने 2 मिनट का एक ट्रेड सिर्फ प्लेस किया है. $100 मेरा इन्वेस्टमेंट है गाइस. ठीक है, पहला ट्रेड है मेरा VIP जो ट्रेडिंग सेशन है उसका, 8 बजे का जो सेशन है हमारा. और देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है इस ट्रेड का. देखिए आज हमने जो ये मॉर्निंग में जो सेशन लिया था, उसके बाद YouTube पे सेशन लिया, तो बहुत ही मज़ेदार आज का हमारा दिन रहा है. बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट हमने अर्न किया है. फीडबैक मैंने पोस्ट नहीं किए हैं, रात में पोस्ट करूंगा इस सेशन के बाद. तो आप सारे लोग जो ओपन ग्रुप है ये माई लाइफ ट्रेडिंग, इसमें जाके सारे फीडबैक आप देख सकते हो. आज 1.5 मिनट के आसपास हमारे पास अभी बचा है टाइम. देखिए स्टॉकेस्टिक ने एंट्री यहाँ पे दे दी है, और यही चीज़ मैंने आज बताई है आपको. जो हमारा स्टॉकेस्टिक ये सीक्रेट्स है इस वीडियो में, मैंने आज यही बताया है कि स्टोकेस्टिक को कैसे यूज़ करना है. ठीक है, ये हमारा 12 बजे का सेशन है और ये हमारा यूट्यूब लाइव सेशन है, जाके देख सकते हो गाइस. स्टोकेस्टिक ने यहाँ पे हिट कर दिया है जो हमारा ओवरबॉट रीजन है, और रिजल्ट आप देख सकते हो अभी फेवर में हमारे. 53 सेकेंड्स रिमेनिंग. सेल आउट करने का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है. अगर मैं सेल करता हूँ तो यहाँ पे देखिए हमको जो प्राइस है वो पता चल जाता है कि कितने प्राइस में ये हम सेल आउट कर सकते हैं. तो यहाँ पे अगर ये जो कलर है, ये क्लोज का ऑप्शन अगर आ रहा है, ये कलर अगर रेड आ रहा है तो समझो कि अगर आप सेल करोगे तो आपको लॉस होगा. अगर ये कलर ग्रीन आता है दैट मींस कि आपको प्रॉफिट होगा. आई मीन जो भी प्रॉफिट वहाँ पे उस टाइम पे दिखेगा वो प्रॉफिट आपको होगा. तो अभी यहाँ पे $85 में ये सेल कर सकता हूँ ये ट्रेड. अगर मुझे रिस्क लगता है तो मैं $85 में ये ट्रेड सेल कर सकता हूँ. अभी देखिए सेल का ऑप्शन भी चला गया. तो ऐसे ऐसे टाइम नज़दीक आता है सेल का ऑप्शन भी चला जाता है. ये देखिए बहुत क्लोज आ गया है मार्केट, एकदम से बिल्कुल क्लोज. ये देखिए ऑलमोस्ट, पता नहीं क्या रिजल्ट होगा इसका. और ये 3 सेकंड पे मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ पहले इसका, इससे पहले कि ये भागे. यस फॉर श्योर ये प्रॉफिट होना चाहिए गाइज. यहाँ पे देखिए ये प्रॉफिट हुआ है, और कोट्स भी आप देख सकते हो. यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ITM, और ये स्क्रीनशॉट लेता हूँ मैं. ये मैंने लिया स्क्रीनशॉट और ITM. ठीक है, तो पहला ट्रेड हमारा हो गया ITM गाइस. चलिए दूसरी ट्रेड की तरफ अपना देखते हैं, दूसरी ट्रेड को हम कहाँ एग्जीक्यूट करेंगे. और सेम करेंसी पे मैं ट्रेड लूँगा, यूरोप कंपोजिट इंडेक्स. अगेन 2 मिनट एंड माय इन्वेस्टमेंट विल रिमेन द सेम, दैट इज $100 ओनली. डोंट टेक टू मच रिस्क गाइस, एज द मार्केट
इट इज अनसर्टेन टुडे। चलिए यहाँ पे 2 मिनट का यहाँ पे ट्रेड मैं प्लेस करूँगा, और यहाँ पे जो मुझे सिग्नल दिख रहा है वो भी डाउन का दिख रहा है, और मैंने अगेन यहाँ पे डाउन ट्रेड प्लेस करी है $100 की। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा मेरा सिग्नल है और अगेन मैंने जो ट्रेड ली है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। और यहाँ पे अगर मैं स्टॉकेस्टिक को देखूँ तो थोड़ा सा हमने स्टॉकेस्टिक को इस सिग्नल के लिए, इस पर्टिकुलर सिग्नल के लिए थोड़ा सा इग्नोर किया है, और वो इग्नोर क्यों किया है वो मैं रीज़न इस ट्रेड के बाद ही बता पाऊंगा, क्योंकि जब तक ये, अगर ये ट्रेड हमारे प्रॉफिट में होती है तो वो रीज़न वैलिड होगा, अगर ये प्रॉफिट हम नहीं होती है, आई मीन अगर हमारे फेवर में ये क्लोज़ नहीं होती है तो फिर वो रीज़न वैलिड नहीं है। तो अगर ये ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज़ होगी तो वो वैलिड है, नहीं तो फिर वो हमारा जो रीज़न, जिस रीज़न से मैंने इग्नोर किया है वो फिर वैलिड नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये जो लेवल था ये ब्रेकआउट हो के मार्केट आ गया है नीचे, 15 सेकंड की कैंडल आप देख रहे हो। वेट करते हैं, 1 मिनट यहाँ एक्सपायर हो गया है और 1 मिनट का टाइम अभी भी बचा है, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, कि मार्केट अपने आप को ट्राई कर रहा है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो फ्लक्चुएशंस हैं, कैंडल्स बड़ी बड़ी बन रही हैं। यहाँ पे कोई मार्केट एक पर्टिकुलर ट्रेंड में 15 सेकंड में देखूँ तो अभी नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि एक कैंडल मेरी रेड बन रही है, सॉरी, और फिर ग्रीन, फिर रेड, अभी जो कैंडल बन रही है वो थोड़ा सा सही बन रही है एज़ पर आवर एनालिसिस। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सिग्नल हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है, जो हमारा एंट्री पॉइंट था बहुत ही गजब था, और ट्रेड अभी भी हमारे फेवर में है। अगर मैं इसको 1 मिनट का यहाँ पे कर लूँ तो इसका स्क्रीनशॉट में लूँगा अगले आने वाले 3-4 सेकंड में, और ये हुआ 3, 2 एंड 1, स्क्रीनशॉट लिया है मैंने फिर से, और ये पोस्ट करते हैं अपने ग्रुप में। तो सुपर विन अगेन। ठीक है, यहाँ पे अब मैं आपको जो बता रहा था कि यहाँ पे मैंने, ये देखिए ये जो थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे देखिए स्टॉकेस्टिक ऑलमोस्ट क्रॉस करने वाला था, जो इसका के लाइन है वो डी लाइन को ऑलमोस्ट क्रॉस करने वाला था यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन था कि यहाँ पे ये ट्रेड मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में लूँ या अपवर्ड डायरेक्शन में लूँ, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ कि हमने ये ट्रेड एग्जीक्यूट कहाँ पे किए, कहाँ पे हमने ये सिग्नल है वो प्लेस किया है, और सिग्नल मैंने प्लेस किया है यहाँ पे गाइस। तो उसका रीज़न एक ये था, देखिए मार्केट यहाँ पे ट्रेंडिंग है, और अगर आप इस चार्ट को और छोटा करोगे तो और ट्रेंड आपको दिखाई देगा। दूसरा, यहाँ पे ये कैंडल ने ट्राई किया था ऊपर जाने का और इसको रिजेक्शन मिले, एंड अगेन ये कैंडल भी रिजेक्टेड होके आई है ऊपर से। तो यहाँ पे मेरे पास स्ट्रॉन्ग एक सिग्नल था, और यहाँ पे जो स्टॉकेस्टिक है जो कि मोमेंटम मुझे बता रहा था, मैंने उसको उस टाइम पे इग्नोर किया, हमारे पास पैराबोलिक की भी हेल्प थी, तो उसकी हेल्प से, ये सारी टेक्निकल हेल्प से, एनालिसिस से मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस करी थी, और कितना अच्छा यहाँ पे जो सिग्नल है वो एग्जीक्यूट हुआ है, 100% श्योरिटी के साथ ये ट्रेड विन हुई है। 2 ट्रेड हम प्लेस कर चुके हैं और दोनों की दोनों सुपर आईटीएम रही हैं, हालांकि जो पहली ट्रेड थी थोड़ी सी क्लोज थी। चलिए अगली ट्रेड मैं देखता हूँ गाइस कि अगली ट्रेड में हम क्या कर सकते हैं, और यहाँ पे इसको मैं 1 मिनट का लूँगा, दिस टाइम आई विल गो फॉर 1 मिनट एंड $100 अगेन, मेरा जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो $100 रहेगा। ठीक है, 1 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम कर दिया, यहाँ पे 15 सेकंड का चार्ट देख लेता हूँ मैं, और यहाँ पे 15 सेकंड के चार्ट में देखिए एक एक सपोर्ट यहाँ पे बन चुका है, और ये सपोर्ट ब्रेक होते ही मैं डाउन ट्रेड लूँगा। तो यहाँ पे ये ब्रेक हो चुका है, देखिए डाउन ट्रेड मैंने प्लेस कर दी है, एक ट्रेड प्लेस करी है, मल्टीपल ट्रेड्स में यहाँ पे ओपन नहीं कर रहा हूँ। तो गाइज मनी मैनेजमेंट है वो आपको करना है कि आप कैसे ट्रेड प्लेस कर रहे हो। मैं आपको पर ट्रेड का अपना अमाउंट बता रहा हूँ यहाँ पे, कि पर ट्रेड का मैं क्या अमाउंट मैंने सेट किया है। ठीक है, आप सेम अमाउंट वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप अपने रिस्क के हिसाब से, जो जितना रिस्क आपको लेना है उस रिस्क के हिसाब से आप अपने ट्रेड्स जो है एग्जीक्यूट करा सकते हो। ये जो कैंडल है बहुत अहम कैंडल है, एंड यहाँ पे देखिए रिजेक्शंस मिल रहे हैं इस कैंडल को, और ये देखिए पूरी की पूरी कैंडल रिजेक्ट हो गई है यहाँ पे,
तो अगर ये 2 मिनट एक का लेते हम शायद तो हमारे पास थोड़ा सा टाइम रहता, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये जो कैंडल है सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट की ट्रेड है, और यहाँ पे हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। पैराबोलिक का हालांकि यहाँ पे सपोर्ट मिल गया है, यहाँ पे देखिए, और बहुत ही क्लोज यहाँ पे कैंडल्स आ गई है, ये देखिए बहुत क्लोज। ये स्क्रीनशॉट फिलहाल मैं ले लेता हूँ, लेकिन ट्रेड का रिज़ल्ट तो बाद में ही पता चलेगा। मुझे लग रहा है शायद ये हम यस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट गाइस 1 पिप से हम लोग ये ट्रेड विन किए हैं, तो मुझे लग रहा है शायद आप लोगों को ये लॉस हो हुआ होगा। फॉर मी ITM, एक बार मैं ये स्क्रीनशॉट भी पोस्ट करता हूँ, फिर आप लोगों का रिज़ल्ट मैं यहाँ पे अभी पता करूँगा कि आप लोगों को क्या रिज़ल्ट रहा इस पर्टिकुलर ट्रेड पे। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लिया मैंने, और आप लोगों से एक बार फीडबैक ले लेता हूँ यू गाइस करके। मुझे लगता है जहाँ तक ये OTM हुआ होगा या रिफंड हुआ होगा, कि जो कॉल थी बहुत क्लोज कॉल थी, मुझे ITM हुआ तो मैंने यहाँ पे ITM, ये देखिए 58% जो लोग हैं वो वोट कर रहे हैं OTM के लिए। इफ़ OTM यूज मार्टिंगर, ये देखिए चार्ट को देखो गाइज, एक बार चार्ट को देखो, क्या है ये चार्ट, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। चलिए इसको हम चेंज करते हैं, और 1 मिनट का यहाँ पे रख लेता हूँ मैं टाइम। मुझे कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ये सपोर्ट ऑलरेडी यहाँ से ले चुका है मार्केट, ये देखिए सपोर्ट ऑलरेडी ले चुका है, लेकिन अगर हम स्टॉकेस्टिक की बात करें तो स्टॉकेस्टिक अभी बहुत दूर है जो कि हमको इंडिकेशन थे। तो यहाँ पे अगर मैं स्टॉकेस्टिक को भी इग्नोर करूँ अभी फ़िलहाल, और सिर्फ इसको देखूँ, ये सपोर्ट देखूँ मैं, तो मुझे यहाँ पे एक ट्रेड लेनी चाहिए। यहाँ पे अगेन आई विल गो फॉर दिस 1 मिनट, एंड यहाँ पे मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो है $200। मैं आप लोगों के हिसाब से यहाँ पे सेट किया है मैंने, क्योंकि आप लोगों को हो सकता है जो लास्ट ट्रेड है वो लॉस हुई हो, तो आपको मनी मैनेजमेंट प्रॉपरली आप कर पाओ उसके हिसाब से मैंने ये ट्रेड $200 की रखी है। देखिए मार्केट अपने आप को दोबारा से चेक करने आ रहा है वापस, तो क्या ये चेक सही है या गलत, देखते हैं। ये जो कैंडल है बहुत ऊपर जा चुकी है कैंडल, और यहाँ से हमको कुछ भी पॉजिटिव तो नहीं दिखाई दे रहा है अभी भी अप डायरेक्शन में। यहाँ से हो सकता है ये दो कैंडल सिर्फ एज ए करेक्शन काम करें, ये देखते हैं क्या होता है। 1 मिनट का यहाँ पे मैंने टाइम दिया है, और यहाँ पे डाउन के लिए मैं रेडी रहता हूँ, जैसे ही मुझे थोड़ा सा भी हिंट मिलेगा डाउन ट्रेड के लिए यहाँ पे मैं जाऊँगा। और अगर ये नहीं, डाउन ट्रेड के लिए नहीं, अप ट्रेड के लिए हमको जाना है, और अप ट्रेड के लिए मैं चला गया। यहाँ पे एक ट्रेड यहाँ पे प्लेस करी है मैंने सिर्फ और सिर्फ $200 की। यहाँ पे अप ट्रेड के लिए गाइज मैं इसलिए गया हूँ, यहाँ पे देखिए स्टॉकेस्टिक ने एंट्री कर दी है, जो ओवरबॉट रीज़न है उसको हल्का सा कट कर दिया है, क्रॉस कर दिया है, जो एरिया है उसको क्रॉस करके कवर करके थोड़ा सा अंदर गया है। तो यहाँ पे अगर ये ट्रेड सही से काम करती है तो ठीक है, अदरवाइज देखिए पहले हम डाउन के लिए ही जाने वाले थे, तो स्टॉकेस्टिक का जैसे ही हमको सिग्नल मिला तो हमने अप ट्रेड प्लेस करी, और वो जो है गलत प्रूफ हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये ट्रेड थी नीचे आ रही है, ये जो स्टॉकेस्टिक है अब क्रॉस जो किया था उसने वो वापस आ गया है, और ट्रेड एग्जीक्यूट होने में हमारे पास टाइम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 1 मिनट की ट्रेड है, और 1 मिनट की ट्रेड में हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, तो OTM है फॉर श्योर, यूज मार्टिंगर। 2 मिनट का करते हैं इसको, या फिर मैं ये करेंसी चेंज करता हूँ गाइस, क्योंकि जो करेंसी है बहुत ही गलत जोन में आके फंस गई है। कुछ और देखते हैं हम, किसी और करेंसी में देखते हैं, ये भी ज़्यादा सही नहीं लग रहा अभी मुझे। बेसिक एशिया में तो हम अभी यूरोप में थे हम लोग अभी, और यस हमको यहाँ पे एक और चीज़ मिली है सेम करेंसी में, देखिए ब्रेकआउट हो चुका है,
तो अगेन आई विल गो फॉर 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट के लिए, और मेरा जो रिस्क रहेगा वो रहेगा 500 का, ठीक है। तो यहाँ पे 500 डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ, और मेरा 2 मिनट का यहाँ टाइम फ्रेम, 2 मिनट का टाइम फ्रेम एंड रिस्क इज़ 500 डॉलर, यूरोप कंपोजिट इंडेक्स। देखिए ब्रेकआउट हो चुका है गाइस, बहुत क्लियर ब्रेकआउट यहाँ पे हमको मिल चुका है। तो यहाँ पे बिना देरी करे मैं डाउन ट्रेड प्लेस करता हूँ, और देखते हैं यहाँ पे अपनी रिस्क पे मैं एक और ट्रेड प्लेस करता हूँ गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे 500 डॉलर की 2 ट्रेड प्लेस करी हैं, देखते हैं क्या ये ब्रेकआउट सही साबित होता है जो कि यहाँ पे हुआ था। ये देखिए यहाँ पे जो ब्रेकआउट, ये जो ब्रेकआउट हुआ था, ये देखिए यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ था, और देखते हैं गाइस। लेकिन जिस हिसाब से कैंडल्स भाग रही है उस हिसाब से नहीं लग रहा, रिवर्स भी जा सकता है यहाँ से मार्केट बहुत ही। एक तो लोअर बिल्कुल लास्ट में आके हमने ये ट्रेड प्लेस करी है, बिल्कुल लोअर पार्ट में बोलिंजर बैंड को बिल्कुल क्रॉस कर चुका है मार्केट। यहाँ पे देखिए 15 सेकंड की जो कैंडल्स हैं उसमें बोलिंजर बैंड को बहुत देर से मार्केट एकदम से क्रॉस कर चुका है। तो यहाँ पे बिल्कुल लोअर जोन है, देखते हैं क्या ये ट्रेड हमारे फेवर में एग्जीक्यूट होती है या नहीं। अगर ये ट्रेड हमारे फेवर में एग्जीक्यूट होती है तो डेफिनेटली यहाँ से जो हमारा पुरानी ट्रेड का लॉस है वो रिकवर हो जाएगा, नहीं तो हमको डबल लॉस यहाँ पे होने वाला है। और मैंने यहाँ पे देखिए थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा लिया है, 1000 डॉलर की ट्रेड है मेरी, 2 ट्रेड यहाँ पे मैंने प्लेस करी हैं, 500 500 डॉलर की 2 ट्रेड यहाँ पे मैंने प्लेस करी हैं। ये जो कैंडल है गाइस बहुत ही कमाल का यहाँ पे फ्रैक्शंस दिखा रही है, आप देखो वेट करते हैं, बहुत क्लोज है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। और ये कैंडल थोड़ी सी नीचे आके क्लोज हो गाइस तो देखिए रिजेक्शन मिला है 1 मिनट की कैंडल में, लेकिन हमारे पास गाइस टाइम नहीं है ज़्यादा, वी डोंट हैव टाइम, और ज़्यादा हम वेट नहीं कर सकते यहाँ पे कि हम ज़्यादा वेट करें और फिर ये हमारे फेवर में आए, ऐसा नहीं है, हमारे पास टाइम बहुत कम है। ये देखिए चार्ट मैंने बड़ा कर लिया है, और 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, यस ओमी, ये आईटीएम है, यस गाइस आप लोगों के लिए भी आईटीएम हुई होगी। देखिए डिफरेंस अच्छा खासा है, आप देख सकते हो बहुत अच्छा खासा डिफरेंस है। तो यहाँ पे आईटीएम, ठीक है, मैंने 2 ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दी थी और दोनों की दोनों मुझे हुई है यहाँ पे प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे विन, और ये हमने कर लिया है प्रॉफिट। तो यहाँ पे देखिए गाइस मैंने 4 कितनी ट्रेड दी हैं, ये जो ट्रेड थी पहली वो 2 मिनट की विन करी, उसके बाद दूसरी दी वो भी विन करी, उस नहीं, हमने कहाँ से शुरू किया है, ये देखिए ये जो यूरोप था पहले, ये हमने किया पहला ट्रेड विन हुआ। यहाँ पे देखिए जो पहला ट्रेड था मेरा वो ये था, विन हुआ। ये कैसे करना है, इसको रिकवर कैसे करना है, अच्छा कुछ और ट्राई करके देखिए, पहला जो ट्रेड था मेरा, नहीं ये शायद आगे जाते ही रहेगा क्या, अच्छा यहाँ पे ये नंबरिंग है तो यहाँ पे पता नहीं क्या है, कुछ है तो यहाँ पे देखिए इसको हटाते हैं यार। ये जो मेरा ट्रेड था पहला था विन, दूसरा विन, मुझे तीसरा भी विन हुआ था, चौथा ट्रेड मुझे लॉस हुआ था एंड पांचवा ट्रेड। तो ये हमने 5 सिग्नल यहाँ पे लिए हैं, 4 हमारे विन हैं और एक जो है वो लॉस है। तो सेशन बहुत ही मज़ेदार सेशन हमारे लिए रहा है, आप मॉर्निंग का सेशन आप जाके देख सकते हो यूट्यूब पे, और जो आज का लाइव जो ट्रेडिंग सेशन था वो भी आप देख सकते हो यूट्यूब पे जाके, बहुत ही मज़ेदार सेशन हमने आज लिया था गाइस। ये जो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे यूट्यूब पे, ये आज हमारा मॉर्निंग का सेशन था 12 बजे का, और अभी जो मैं करंट रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो 8 बजे का सेशन है। ये हमारा यूट्यूब का लाइव था आज, जहाँ पे भी हमने सिग्नल लिए थे, 2 सिग्नल हैं, दोनों के दोनों प्रॉफिट हुए थे। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा और प्रॉफिट बुक करने का कल के 12 बजे सेशन में, अभी के लिए इतना ही, ठीक है गाइज। तो ज़्यादा कुछ नहीं इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको अगर जो माई लाइफ ट्रेडिंग ग्रुप है तो ये ओपन ग्रुप है, ज्वाइन कर लीजिए अभी कभी, क्योंकि ये ज्वाइन नहीं करोगे तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी आपसे, गिव अवेज, प्राइस, प्रोमो कोड्स, स्ट्रेटजीज, ऐसे वीआईपी सिग्नल्स, वो सारी चीज़ें आपसे मिस हो जाएंगी। एंड आप जो ये जो
आपको आईडी दिख रही है sk_traders, यहाँ पे भी आप मैसेज करके डायरेक्टली आप मुझसे कोई भी आपके डाउट्स हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स हैं विद इन 24 आवर्स मैं ट्राई करूँगा उनको रिप्लाई करने का। यहाँ पे अगर नंबरिंग मैं करना चाहूँ, कैसे नंबरिंग चेंज होती है यार, नंबरिंग का नहीं पता मैं कैसे चेंज होती है। अगर नंबरिंग यहाँ पे चेंज हो पाती तो मैं यहाँ पे आपको नंबरिंग करके दिखाता सही से। यस, ये नंबरिंग सही हो रही है। अब इसको दोबारा से नंबरिंग करते हैं। ये लिया आइकन, ये किया क्लोज, ये किया ओपन, और यहाँ पे देखिए हमने दो ट्रेड जो ट्रेड प्लेस करी हैं, जो पहला ट्रेड है मेरा ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये एंड पांचवा ये, ठीक है। ऐसे करके हमने ये जो ट्रेड्स हैं वो प्लेस करी हैं। ये क्या हुआ समझ में नहीं आया कुछ भी। अरे यार क्या हो रहा है। तो हमने पहला लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा, ठीक है। और स्क्रीनशॉट आएगा कि नहीं आएगा, ये स्क्रीनशॉट आया। और यहाँ पे ये ट्रेड मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, अपने VIP ग्रुप में डालता हूँ। सेशन ट्रेड्स, लेट्स स्टॉप सेशन विद गुड प्रॉफिट्स, वी विल कंटिन्यू टुमारो नाउ, प्लीज शेयर योर फीडबैक, वीडियो विल बी पोस्टेड इन नेक्स्ट 5 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे फीडबैक अभी आ गए होंगे हमारे जो VIP मेंबर्स हैं उनके, एक बार देख लेते हैं। अभी 45 काउंट है। यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है सारे लोगों के रिप्लाईज करना करने में, टाइम लगता है गाइस रिप्लाई करने में। ये देखिए फीडबैक में लोग कंजूसी कर देते हैं गाइस कभी कभी, थोड़ा सा इंटेंशनली बोलता हूँ मैं कि फास्ट फीडबैक हमारे पास आए। आ रहे हैं लोग यार, VIP मेंबर्स जेन्युइन है हमारे। ये देखिए गुड सेशन भाई, एज यूजुअल इन प्रॉफिट, 2% प्रॉफिट, प्रॉफिट $16, एज ऑलवेज ग्रेट ग्रेट सेशन। ओके, ये देखिए बहुत अच्छे यहाँ पे फीडबैक्स हमारे को मिलते हैं। ये सारे फीडबैक मैं पोस्ट कर दूंगा अपने PI जो ओपन ग्रुप है माई लाइव ट्रेडिंग। ये देखिए तो गाइज प्लीज़ आपको भी अगर ज्वाइन करना है VIP तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कीजिए sk_traders पे, ठीक है, मैं आपको गाइड कर दूंगा कैसे आपको ज्वाइन करना है, या फिर ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए माई लाइव ट्रेडिंग। चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।